जय गोमाता, वंदे गोमातरम। साथियों, क्या आप जानते हैं पहले ब्यांत की गोमाता के अंदर जब बच्चा देती है तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं और उसके कारण उसके शरीर में कैल्शियम की अपूर्तता खड़ी होती है, कमी खड़ी होती है। क्या आप जानते हैं गोमाता दूध देने लगती है तो उसकी कमजोरी, शरीर की कमजोरी क्यों आ जाती है? क्या आप जानते हैं कि दूध वाली गोमाता के साथ स्टार्टिंग में शुरुआत के 2 महीने कैसे काम लेना चाहिए? तो उस पे आज थोड़ा बात करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि गोमाता जब पहली ब्यात की बच्चा देती है तो उसके शरीर में ग्लूकोज और कैल्शियम की कमी आती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुई है कि वो बाहर इतना दूध में कैल्शियम बहा दे, ग्लूकोज बहा दे, तो उसके लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। तो पहले जो 1 महीना है वो तैयार होने का है, तो ऐसी स्थिति में गोमाता को जो पहले 1 महीने में उसी के दूध में सतावरी, सौंठ और गुड़ मिला के यदि पिलाया जाए तो किटोसिस जैसी महाभयंकर बीमारी, उसको देसी में सुआ बुखार कहते हैं, सुआवड़ मतलब डिलीवरी का जो बुखार होता है उसके कारण ये होता है। और ऐसे में सिम्टम्स क्या बताते हैं? गाय खाना कम कर देती है, उसका यूरिन जो है वो एकदम वाइट प्योर वाइट पानी जैसा हो जाता है, तो समझ लेना अंदर की सिस्टम उसकी बिगड़ी हुई है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए रोज़ 100 ग्राम सतावरी, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम टोपरा ये चीज़ दे सकते हैं। सुबह में 2 लीटर छाछ में 50 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। उसी का निकाला हुआ दूध उसमें 100 ग्राम सतावरी, 100 ग्राम सूठ और 100 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, उसी से भी फायदा हो सकता है। और चूने का पानी बनाने का एक कैल्शियम का तरीका आता है, वो कैल्शियम के तरीके से कैल्शियम बना के, जैसे आपने 200 लीटर पानी में 60 किलो या 50 किलो चूना डाल दिया, उसको एक सप्ताह तक खूब हिलाओ, ऊपर का पानी ब्लू हो जाए और नीचे चूना सारा बैठ जाए, उसके बाद वो पानी 100 ग्राम देने से गोमाता के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होती है। तो देसी बबूल के बीज का पाउडर रोज़ 50 ग्राम देने से गोमाता के कैल्शियम की कमी पूरी होती है। रोज़ 50 ग्राम सोयाबीन देने से गोमाता के अंदर कैल्शियम की पूर्तता होती है। ऐसे जितने भी आपकी जान पहचान में है कैल्शियम के सोर्स, उसके उपयोग से गोमाता के अंदर की कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। और हमें इस प्रकार से पहली बार की गोमाता की खास देखभाल करनी चाहिए, और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा वो भी समझ लीजिए। नुकसान ये होगा कि वो गोमाता दूध में जल्दी नहीं आएगी, बहुत लेट दूध में आएगी। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि वो हीट में नहीं आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी धीमे धीमे उसके अंदर खड़ी होगी। गोमाता के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी खड़ी होगी तो उसका जो बच्चा दूध पीता है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी खड़ी होगी। तो एक पूरी उसकी जो सिस्टम है कंकाल तंत्र की, बॉडी की सिस्टम, वो पूरी नर्वस सिस्टम उसकी ख़राब हो जाएगी। उस सिस्टम को ख़राब नहीं होने के लिए उसको खाने में ग्लूकोज और कैल्शियम वर्धक चीज़ जो है वही देना चाहिए। ऐसे समय में उसको दलिया एकदम परफेक्ट बना के देना चाहिए। दलिया देने का तरीका, जैसे कई लोग तोल के बताते हैं देने का, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल रियल उसका सिस्टम ये है कि उसको जो दलिया देना है उसके गोबर में कच्चा दलिया नहीं निकलता है तब तक देना है। जब कच्चा दलिया निकलना चालू हो जाता है तो वहाँ से थोड़ा माइनस करना है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो गोमाता की डाइजेस्टिंग सिस्टम को फास्ट करते हैं। दूध सोडा पिला सकते हैं, छाछ सोडा पिला सकते हैं, और ये सारी तकेदारी जितनी गोपालक रखेगा उतनी उसको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। गोमाता खुश रहेगी, गोमाता को परेशानी नहीं होगी तो किसान बहुत अच्छी तरह से खुश रह सकता है।